रेलवे 3 मई से एक नई ट्रेन का संचालन शुरू करेगी और इस वीडियो अपडेट के माध्यम से हम बात करेंगे इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। भारतीय रेलवे की तरफ से ट्रेन नंबर 09192 के साथ बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन से बांद्रा टर्मिनल के लिए एक नई ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। आगामी 3 मई से इस ट्रेन को दरभंगा से हरी झंडी देकर रवाना किया जाएगा। ट्रेन के टाइम टेबल के डिटेल्स की बात करें तो दोपहर 3 बजे दरभंगा रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन चलेगी और रविवार को 2:30 पर यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनल पहुंचेगी। इसके साथ ही दूसरे दिशा में भी यह ट्रेन चलाई जाएगी। दूसरे दिशा में यह ट्रेन 09191 के साथ बांद्रा टर्मिनल से दरभंगा के लिए चलेगी। प्रत्येक मंगलवार को यह ट्रेन चलाई जाएगी बांद्रा टर्मिनल से, जहाँ पर कि ट्रेन के टाइम टेबल के डिटेल्स की बात करें तो शाम में 7 बजे यह ट्रेन प्रस्थान करेगी बांद्रा टर्मिनल से और गुरुवार को 4:45 पर शाम में दरभंगा पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों ही दिशाओं में चलेगी और ऐसे में दोनों ही दिशाओं में इस ट्रेन का कई बड़े रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज रहेगा। अगर बिहार के कुछ रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें तो बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन से खुलने के बाद यह ट्रेन समस्तीपुर, बड़ौनी, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, आरा और बक्सर में इसका स्टॉपेज रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मिर्जापुर, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल के साथ साथ झांसी, रानी कमलापति, इटारसी खंडवा, भुसावल, वलसाड और वापी में भी स्टॉपेज दिया गया है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आने वाले नए ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।